कर्नाटक में मंदिरों में 300 साल पुरानी सलाम आरती का नाम बदल दिया गया है। अब इसे संध्या आरती के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार ने 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान के समय में मंदिर में चल रही सलाम आरती, सलाम मंगल आरती और दीवतिगे आरती जैसे रिवाजों का नाम बदलकर इन्हें स्थानीय नाम देने का फैसला किया है। यह फैसला हिंदुत्व संगठनों की मांग पर लिया गया है। उधर कर्नाटक के पूर्व सीएम और जीडीएस के नेता एच कुमार स्वामी ने इस फैसले की निंदा की और भाजपा पर मुद्दों से भटकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे इतिहास और पुरानी संस्कृतियों को बदलना चाहती है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 सीटों में 156 सीट जीत कर इतिहास रच दिया है। इस प्रचंड जीत के साथ भाजपा लगातार सातवीं बार राज्य में सरकार बना रही है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह आज सोमवार को होने जा रहा है। पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का विवादित बयान सामने आया है। इसमें कथित तौर पर पीएम मोदी की हत्या की बात कह रहे हैं। हालांकि बाद में पटेरिया अपने बयान से पलट गए। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उनका मतलब था कि अगले चुनाव में मोदी को हराओ। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये फ्लो में हो जाता है। बीजेपी नेताओं ने वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस तरह के बयान से दूर रहने को कहा है। साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में गृह मंत्री ने स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार की भी चर्चा की है। वहीं लॉ कॉलेज मामले में फरहत खान की एक और किताब पर बवाल मच गया है। पूरे मामले की जांच के लिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने 7 सदस्यीय टीम का गठन किया था, जिसमें भोपाल के अतिरिक्त संचालक डॉ. मथुरा प्रसाद भी शामिल थे। वे टीम के साथ इंदौर पहुंचे और कॉलेज में जांच की। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट और टीचर से बयान लिए। लौटते समय शिकायतकर्ता छात्र लक्की आदिवाल ने उन्हें एक किताब सौंपी, जिसमें भी विवादास्पद कमेंट होने का दावा किया गया है। ये किताब भी लेखिका डॉ. फरहत खान ने लिखी है। किताब का शीर्षक महिलाएं एवं आपराधिक विधि है, लेकिन प्रकाशक अलग है। प्रकाशक सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन है। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि प्रयागराज का है। वहां जांच के लिए टीम भेज दी गई है। भारतीय सेना में महिलाओं को और ज्यादा अहमियत दी जाने लगी है। इसी कड़ी में अब भारतीय नेवी अपने विशेष बलों में महिलाओं को शामिल करेगी। इस ऐतिहासिक कदम के रूप में पहली बार सेना के किसी अंग में कमांडो के रूप में महिलाओं को सेवा की अनुमति दी गई है। अधिकारियों ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है।